स्वच्छता का छक्का लगाने वाले शहर इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल की ओर से सफाई मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां सम्मानित सफाई मित्र सत्तू भैया के हाथों सम्मान पाकर खुश नजर आ रहे थे। तो वहीं सत्तू भैया ने सफाई मित्रों के अधिकार की बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी तक पहुँचाने का वादा भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। सत्तू भैया ने किया सफाई मित्रों को सम्मानित। सत्तू भैया के हाथों सम्मान पाकर खुश हुए सफाई मित्र। सफाई मित्रों को अधिकार दिलाएंगे सत्तू पटेल। राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे सफाई मित्रों के अधिकार की बात। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वच्छता का खिताब दिलाने में सफाई मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण रहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने संस्था गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के माध्यम से सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल समेत तमाम गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। गर्व इस बात का है कि इंदौर शहर में कि जब बात आती है कहाँ से हैं आप, तो हम कहते हैं इंदौर से हैं, तो इंदौर देश में प्रथम आया। ये चाहे हम लंदन में गए तो ये बात आई, हम देश के नहीं विश्व के कोने में अगर दूसरे देशों में भी हम जहाँ गए हों, चाहे सिंगापुर गए हों चाहे दुबई गए हों, जब बात आती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो तो इंदौर के, तो जब बात यह आती है कि इंदौर देश का एक अलग सा शहर है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जो हमारे सफाई मित्र हैं और बहनें हैं, उनकी मेहनत और मेहनत के साथ साथ उनकी त्याग और तपस्या को सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, नगर निगम ने और देश की सरकार ने आंका नहीं है। समय आएगा तो इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस बेहतर उनके लिए जो भी हो सकता है उनको कुछ उपहार नहीं देगा, उनका अधिकार देगा, ना कि कोई उनको उनके लिए एहसान करेगा। जो भी सरकार आएगी, जो भी नगर परिषद आएगी, जो भी प्रदेश की सरकार आएगी, अगर उनका हक और अधिकार अगर मिलेगा तो वो उनके प्रति हम न्याय कर पाएंगे इस प्रजातंत्र में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि राहुल गांधी के सामने वे सफाई मित्रों के अधिकार की बात रखेंगे और इसे कांग्रेस का एजेंडा बनाने का निवेदन करेंगे। ये मेरा प्रयास ये है कि ये बात हम राहुल गांधी जी के सामने रखेंगे और रखकर हम माननीय राहुल गांधी जी से निवेदन करेंगे कि आप और हमारी पार्टी इसको एजेंडा बनाए और इनको न्याय मिले, यही हमारा संकल्प। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि सफाई मित्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दीपावली महोत्सव के तहत गीता रामेश्वरम पारमार्थिक न्यास मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रामेश्वर जी पटेल जी की स्मृति में जो कार्य अधूरे से थे, जिन्हें और बड़ा होना था, बाबू जी नहीं रहे लेकिन सत्यनारायण पटेल जी ने ये प्रयास किया कि क्यों ना हम राष्ट्रीय एकता अखंडता का पैगाम दें और विभिन्न धर्मों के लोगों को एकत्रित कर, जो सफाई मित्र हैं जिन्होंने इंदौर का नाम छठी बार पूरे भारत में शीर्ष नंबर पर लेकर आए हैं, उन सफाई मित्रों की जो मात्र शक्तियां हैं और जो भाई हैं वाल्मीकि समाज की विभिन्न पंचायतों के जो पदाधिकार हैं, उन सभी का सम्मान कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।